पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम ने पूंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2024 के विधानसभा चुनाव में पूंछ जिले की भाजपा के सभी उम्मीदवारों को अपना पूरा समर्थन दिया। फोरम ने आम जनता और खास तौर पर पहाड़ी जाति समुदाय के सभी लोगों से अपील की कि चुनाव पहाड़ी लोगों द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का मौका है, जिन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है। आज पूंछ फोरम में सभी से अपील की कि वे किसी भी संबद्धता से इतर भाजपा को वोट दें, क्योंकि यह भावी पीढ़ियों के कल्याण से जुड़ा है। फोरम ने दावा किया कि जिस दिन से एसटी का दर्जा दिया गया, पूंछ के लोगों को सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। फोरम ने दावा किया कि पहाड़ी जनजाति को एसटी आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पदा और पदोन्नत में वरीयता, विश्वविद्यालयों में कोटा मुफ्त, वजीफा शिक्षा, छात्रवृत्ति, बैंकिंग सेवाएं, विभिन्न सरकारी योजनाओं की गारंटी देता है और संविधान कई लाभ और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के लिए लाभों में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश, कोटा प्राप्त करना, रोजगार, नौकरी के फॉर्म भरने में भारी छूट देता है। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुसाद से बताएं जनाब। देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की ओर से, इसमें आप देख रहे हैं मेरे साथ एडवोकेट मदनी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट मिंदर प्यासा जी हैं, एडवोकेट सोनल सासन जी हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा है कि जितने भी हमारे पहाड़ी ट्राइब के लोग हैं जिला पुंछ में, मैं उन सब से अपील करता हूँ पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से कि अपना कीमती वोट जो है वो बीजेपी को दें, जिनका चुनाव निशान कमल का फूल है। क्योंकि आप सभी लोगों को इस चीज़ का बारे में पूरी जानकारी है कि पहाड़ियों की जदोजहद पिछले लगभग 40 साल से ऊपर से ये चल रही थी, और किसी सरकार ने अगर एसटी का स्टेटस पहाड़ियों को दिया तो वो बीजेपी की सेंटर की सरकार है जिसने हमें एसटी का स्टेटस दिया है। अब हम सबका फर्ज बनता है कि आने वाले ये जो चुनाव है 25 तारीख को जिला पुंछ में तीनों सीटों का चुनाव है, इसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि बीजेपी के चुनाव निशान जो कमल का फूल है उस पर वोट डालें, ताकि पहाड़ियों को जो ये स्टेटस मिला है इसका, जो सरकार को भी इसका सिला मिलना चाहिए। यदि हमारी तीन सीटें यहाँ से निकल गई तो कोई वजह नहीं है कि बीजेपी जो है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी जिसमें पहाड़ियों की जो नुमाइंदगी जो है ना के आली मतलब कि वो एमएलए बनेंगे बल्कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में भी होगी। मैं अब अपने साथी इफ्तिखार बज़मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों से अपील करें कि पहाड़ी लोगों को क्या करना चाहिए। जी, आज पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मेन मकसद ये है कि पिछली बार जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे तो उसमें भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जो है ये बेड़ा उठाया था कि लोगों को जो है घर घर तक उनका जो हमने जो पैगाम पहुँचाया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जदोजहद की जो पिछले 40 साल थी और कंटिन्यू 3 साल से पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने कंटिन्यू ये जदोजहद की, और जो हमारी हुकूमत हिंदुस्तान है खसूसी तौर पर जो मोदी सरकार थी उन्होंने जो अपना वादा किया था उन्होंने पूरा किया, और खसूसी तौर पर इस पर बात देखने की ये थी कि जहाँ पर हमारा गुजर बकरवाल तबका था उनका राइट रिजर्व रखते हुए उनका जो कोटा बनता था उनके साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए जो पहाड़ी तबके के लोग थे उनको जो है रिजर्वेशन दी गई है, जिसके लिए हमारा फ़र्ज बनता है, सब पहाड़ी लोगों का फ़र्ज बनता है, जिसमें बिला लिहाज मजहब मिलत, जिसमें पहाड़ी में मुस्लिम भी है उसमें हमारे सिख भाई भी हैं उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, हम लोगों का फरीजा बनता है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर हुकूमत हिंदुस्तान ने ये एहसान किया कि उन्होंने बिना किसी कंसिडरेशन के हमको जो है रिजर्वेशन दिया, और वक्त आ चुका है कि जब हम एहसान का बदला जो है एहसान से चुकाएं, और इस बार हम ये मुसम्मम इरादा रखते हुए ये प्रयत्न करते हैं और ये वादा करते हैं, और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जोरों शोर से बाहर निकलकर वोट डाले, आज भी 25 तारीख को आप सुबह 7 बजे निकलिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, चाहे वो पुंछ में हवेली में है, चाहे वो सुरनकोट में है, चाहे वो मेंढर में है, चाहे हमारे रजौरी के 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, उन सभी को अपना कीमती वोट दें, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ना के सिर्फ वोट दें बल्कि सपोर्ट दे के उनको कामयाब करें, और असेंबली में भेजकर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिर्फ
जो शेड्यूल ट्राइब का कोटा है उसमें बाकी चीजों में रिजर्वेशन थे, बाकी हमारे डेवलपमेंटल कामों में भी जो है हमको हर जगह जो है वो हमको अपना कोटा मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है सभी पहाड़ी भाइयों से, बहनों से, माओ से कि 25 तारीख को बाहर निकलिए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तरीके से वोट देकर उनको जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाए। मैं आप श्री बिंदर प्यासा जी जो मैं हमारे सीनियर एडवोकेट है उनसे इल्तिजा करूंगा कि वो अपनी अपील। मेरे से पहले मेरे साथियों जो पहाड़ी फोरम के लोग हैं हमारे, इन्होंने अच्छी तरह से वजह से बताया है, तो मैं अपने तमाम बिलखसूस पूंछ रजौरी और जो हमारी 3-4 सीटों पर ये पहाड़ी लड़ रहे हैं, वक्त की पुकार है, एक वक्त की पुकार है कि जो पहाड़ी हमें एसटी दिया गया है इसके हम मशकूर ममनून हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और इस वक्त हमारा ये अवलीन फर्ज बनता है, जैसे आपने देखा कि अभी नीट की ये लिस्ट निकली है तो उसमें 106 लोग हमारे आए हैं और बिलखसूस पूंछ के 3 बच्चे बच्चियां आई हैं और वो एसटी की बदौलत ही आई हैं। अब जो मेरी बेटियां वोट डालने के काबिल हैं, जो मेरे बच्चे जवान हैं वोट डालने के काबिल हैं, जो मेरी बहनें वोट डालने के काबिल हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी मजहब से वे है, जिनको पहाड़ी स्टेटस दिया गया है, जिसके लिए जद्दोजहद पिछले 40-50 साल से हो रही थी, किसी सरकार ने हमें नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी मुखालफत की, महबूबा ने हमारी मुखालफत की, कांग्रेस ने हमारी मुखालफत की और हत्ता के जो भी लोग थे उन्होंने हमारी मुखालफत की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो गुजर और बकरवार भाई थे उनका हक बगैर छीने पूरा रखे हुए हमें भी एक मुकाबले में उनके बराबर रख दिया है। अब हमारा अवलीन फर्ज बनता है क्योंकि हम पूंछ के रहने वाले हैं और पूंछ की सीट जो है इस वक्त मजबूत तरीन सीट है जो मोदी जी ने भरोसा करके इन पहाड़ियों को दी है। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अपना वोट जाया नहीं करना है। पूंछी भाइयों, मैं आपको एक बार ऐलान ही कह रहा हूँ, अपना वोट जाया मत करना। वोट जाया करना जो है वो खुदकशी के बराबर है। वोट जाया करना जो है वो समझो कि अपने बच्चों के भविष्य को खेलने के बराबर है। आप अपना कीमती वोट पहाड़ी कैंडिडेट जो उस वक्त मोदी जी ने खड़ा किया है चौधरी अब्दुल गनी, उसको दे करके कामयाब करें। शुक्रिया, जय हिंद। अपने जो है वो पहले से ही अपनी बात रखी है, तो मैं भी पहाड़ी एसटी फॉर्म की तरफ